हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमारे गांव से थोड़ी दूर पे एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल नहीं बड़ा डैम है, वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ का वाटरफॉल भी है, तो मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे हैं। और हमने प्लैटिना घर पे रखे, पर अपने पल्सर लेके जा रहे हैं अभी। तो मैं अभी हमारे गाँव के यहाँ पे ब्रिज है, वो ब्रिज पर खड़ा हूँ। आपको भी मैं दिखा देता हूँ कि हमारे गाँव के नज़दीक से जो नदी जाती है वो कितनी बार ज़्यादा पानी आ गया उसमें। तो मैं आपको पानी दिखा देता हूँ अभी। तो गाइस, जब से प्लैटिना लिया है तो ये गाड़ी मैं बहुत कम ही चलाता हूँ, ज़्यादातर ये गाड़ी घर पे रहते हैं। अभी दशहरे के दिन जब धोने के लिए निकला था, वैसी की वैसी गाड़ी है, क्यों तो दशहरे के बाद से मैंने गाड़ी ही नहीं निकाला है। तो आज लेके जा रहा हूँ, आज खास मैं वीडियो के लिए लेके जा रहा हूँ गाड़ी को। आप गाड़ी भी देख सकते हो, कहाँ पे सब भरा कुछ नहीं है, गंदा कुछ भी नहीं हुआ, क्यों तो निकाला ही नहीं मैंने गाड़ी। ये खाली हाईवे है और वो साइड एक ब्रिज है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दीवार है सेफ्टी के लिए, इसके आगे जाना पड़ेगा हमें वहाँ पे रेलिंग के पास। तो चलो वहाँ से मैं आपको नदी में का पानी दिखा देता हूँ, और ये कितना ऊंचा है वो भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ से पानी देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा नदी में को पानी है अभी। और सामने वो साइड में, उधर में एक डैम है, आप देख सकते हो वो साइड में डैम है, तो वहाँ पे पानी रुकाते। तो गए अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा धूप भी हो गया है, तो क्यों तो शाम का टाइम है, अभी जल्दी शाम हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो हम बहुत ऊंचाई पे है, ये ब्रिज ज़्यादा ही ऊपर है और पानी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से चलो फटाफट से चलते हैं हमें लोकेशन की ओर, हमें इस साइड जाना है। अब चलो लोकेशन पे जाके ही मिलते हैं आपको। फाइनली गए, अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। इस जगह का नाम एक बुर्जी है और ये मेरा फ्रेंड है, हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क की है। यहाँ पे पार्किंग का कोई सीन है नहीं यहाँ पे, यानी कुछ जगह फिक्स नहीं है, इसलिए इधर ही लगा देते हैं। तो वाटरफॉल था वो साइड में, लेकिन उधर में पानी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ का तालाब दिखा देता हूँ, और तालाब ये काफ़ी बड़ा है और इसमें फिशिंग भी होती है, तो मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। तो गए आप देख सकते हो कितना बड़ा है, जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक ऐसा पानी ही पानी दिखता है। और हम बहुत ज़्यादा आगे, हम ये साइड से आए, यहाँ से बहुत दूर आए और इसके पूरे एंड तक हमें एंड में आए हैं अभी। वाटरफॉल तो पूरा बंद है, ये डैम का है, ये तालाब में यहाँ से अभी पानी नहीं बह रहा है, तो क्यों तो पानी अभी कम हुआ, बारिश नहीं हुआ इसलिए। तो वाटरफॉल ने तो कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो भी मैं आपको वहाँ पर जाके दिखा देता हूँ अंदर में जाके। तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो चलो गए अभी इसके यहाँ पर जाके देखते हैं जो उसके अंदर में क्या है। हम गए नहीं थे तो यहाँ से जाके देखते हैं अभी। ये पूरा लोहे का बना है और ये पानी के ऊपर में इसका कुछ कॉक है, तो यहाँ पे तो कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो आपको मैं पानी दिखा देता हूँ। तो गैस अभी एक बुर्जी का वाटरफॉल तो बंद है, अभी तालाब को ज़्यादा पानी नहीं है, तो बारिश नहीं हुआ इसलिए पानी बहुत कम हो गया इसका। अगर आपको वाटरफॉल का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर मिनी ब्लॉग मैंने वाटरफॉल का डाला। तो गैस अभी सनसेट के लिए टाइम है, तो अभी 5 ही बजे, लेकिन आप देख सकते हो सूरज कैसा इसके पीछे छुप चुका है, बादलों के पीछे सूरज छुप चुका है और नीचे भी उसकी छवि बहुत बढ़िया दिख रही है। तो अभी सनसेट हुए तक तो यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि तो हमें लगा वाटरफॉल चालू है। तो चलो गए यहाँ से अभी चलते, मुझे लगा कि यहाँ पे वाटरफॉल चालू होगा, तो वाटरफॉल तो नहीं चालू है और अभी सिर्फ खाली तालाब का पानी है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा तो दिखाने के लिए है नहीं, तो जितना दिखा सकता हूँ उतना दिखा दिया मैं आपको। तो चलो यहाँ से चलते हैं अभी घर की ओर, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।